ला 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 ला। अरे भाभी आप रेडी हो गए? हाँ मैं तो रेडी हो गई। कितनी प्रिटी लग रही हूँ ना मैं आपके सूट में। आप बहुत अच्छी नंदो, आपने मुझे इतना प्यारा सूट दिया। वैसे आपका भी ये वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही पहनना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। आप मेरे को दे दो ये वाला, मैं आपको ये दे देती हूँ। कोई बात नहीं, अब तो मैंने चेंज कर लिया और वैसे भी बहुत लेट हो रहे हैं। एक काम करना दीदी, सूट को भी यहाँ पर रख के चले जाना, कभी और पार्टी हुई तो यही पहन के चली जाऊंगी। वैसे भी आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, और मम्मी जी ने तो स्पेशली बोला है ज्योति से जो मर्जी हो वो ले लेना, तो आप तो हो ही मेरे लिए। हाँ हाँ वो तो मैं हूँ ही। अरे आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है ना। मुझे मेकअप करना आता है इसीलिए तो। आपको मेकअप करना आता है भाभी? बिल्कुल आता है। अच्छा मैं अपने सूट के पैसे वसूल लेती हूँ, तो आप मेरा कर लीजिए ना मेकअप, लेट नहीं हो जाएगा ज्यादा। आपको तो आता है ना, जल्दी कर देना जैसा भी हो। ठीक है बैठो मैं करती हूँ। अब बताऊंगी मेकअप होता क्या है। ये लो पकड़ो, मैं ले आई हूँ मेकअप का सामान। अरे वाह महंगे प्रोडक्ट है, मजा आएगा। हाँ महंगे तो होंगे ही ना, बाहर से लेकर आए थे ये जब लंदन गए थे। आप लंदन गए थे तो बंद कर लो आंखें, बंद कर लो। Oops. मुझे एक मिरर दे दो, मैं बीच में देखती रहूंगी। नहीं नहीं मिरर की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं हूँ और आपका मेकअप इतना अच्छा करने वाली हूँ, मिरर की क्या जरूरत है आपको। हाँ? बस मुझ पर यकीन रखो, आंखें बंद नहीं रखो। आपने मुझे लग रहा है कहीं करवाया नहीं है मेकअप, आपको कुछ पता नहीं है। मगर आज जो आप करवाओगे वो लाइफ टाइम याद रखोगे। अच्छा करना भाभी अपनी तरह। अरे आप टेंशन मत लो, इतना अच्छा करूंगी कि देखने वाले तो बस आप ही को देखेंगे। मुझे लग रहा है आपने सही से ब्लेंड नहीं किया। दीदी मेकअप आप कर रहे हो या मैं कर रही हूँ? अरे आराम से करो, ऐसे ही होता है मेकअप। अरे क्या कर रहे हो, ऐसे मत देखो, आपको बाद में दिखेगा कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। आपका चांद सा चेहरा और ज्यादा चमक जाएगा, पता है आपको। वाओ दीदी अभी से मैं बोल सकती हूँ, आपने आंखें भी नहीं खोली और ये इतना सुंदर लग रहा है। अब मैं ना ग्लिटर भी डाल दूँ दीदी? हाँ हाँ क्योंकि देखो मेरा ये सूट भी है ना थोड़ा ग्लिटरी। हाँ हाँ आप सीधे हो जाओ। भाई मैं एक बार देख लू क्या? अरे आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? है ना भाभी है, तो बस अपनी आंखें बंद ही रखो। मैंने ना ऑनलाइन देखकर सीखा है। क्या मतलब? जैसे मैंने अपना किया है वैसे ही तो आपका भी करूंगी, बस आप टेंशन मत लो। जैसा आजकल चल रहा है ना पिंक पिंक, बिल्कुल वैसा ही करूंगी आपका। हिलो मत, क्या कर रहे हो आप दीदी? सब आज आपको देखते रह जाएंगे। हंसो, स्माइल करो, बिग स्माइल। अब मुझे मेरा मेकअप वापस दे दो क्योंकि आप हो चुके हो बिल्कुल रेडी। लिपस्टिक कभी थोड़ी देर में लगा लेंगे, ठीक है? अब आप खुद को देख सकते हो, जाओ देख लो वहां पर शीशा है। भाभी क्या हुआ दीदी? भाभी ये आपने कैसे मेकअप किया है? इतना अच्छा तो किया है, आपकी आंखें आपके कपड़ों के साथ मैच कर रही हैं, और ये पिंक पिंक देखो मैंने भी किया है, नाक पर भी किया है, ये तो सब चल ही रहा है। आपके इतने महंगे प्रोडक्ट्स देख के मुझे लगा अच्छा मेकअप करोगे। महंगे मतलब? अरे मतलब आपने बोला कि आपको मेकअप आता है इसलिए। आता है? नहीं आता आपको, ये क्या किया आपने? इतना अच्छा तो किया है। रुको मैं अभी आपके भैया को बुलाती हूँ, वो बताएंगे। अरे कहाँ हो आप, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? आज हमें पार्टी में जाना ना, दीदी का मेकअप मैंने किया, कितनी प्यारी लग रही है ना। भैया देख रहे हो ना मेरा मेकअप अच्छा किया है क्या, आप भी बताओ। बहन अच्छी तो लग रही है। देखा, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे आधा घंटा दो, मैं बस मुंह धो के आ रही हूं, मैं दोबारा मेकअप करूंगी। आधा घंटा? हाँ भैया। अरे नहीं पार्टी खत्म हो जाएगी वहाँ पर, आप बहुत प्यारी लग रही हो, क्यों नहीं समझ रही हो? पता है कितने महंगे प्रोडक्ट लग रही है। अरे आपको पता है मैंने कितने महंगे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं इनके फेस पर, जो आप लंदन से लेकर आए थे, अमेरिका से लेकर आए थे, वो सब तो मैंने यूज किया है इन पर। उसके बाद ऐसी दिख रही है। हाँ भैया बस मुझे आधा घंटा दो, मैं फेस वॉश करके दोबारा मेकअप कर लूंगी, प्लीज। नहीं, अरे बहन तुझे आधे घंटे की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं हम ही चले जाते हैं, तू इधर रेस्ट कर। हाँ घर का भी ध्यान रख लेना, अब आप आधा घंटा लोगे तब तक तो पार्टी खत्म हो जाएगी, वैसे भी रिसेप्शन है, शादी तो है नहीं, तो वैसे तो सुंदर ही लग रही थी, बट आपको जो पसंद है वो करो। चलो हम लोग निकलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। बहन YouTube पे वीडियो चला के ना मेकअप सीख थोड़ा सा। हाँ चल। अरे हेलो मम्मी, भाभी ने मेरा इतना गंदा मेकअप किया कि मैं पार्टी में भी नहीं जा पा रही हूँ, और भैया भी उसे लेके चला गया। गंदा मेकअप किया मेरी आंखों का। हाँ बहुत बन रही थी, देखो जानबूझ के करके गई है मेरे साथ ऐसा कि पार्टी में मैं ना जाऊं। ठीक है इनको तो मैं बताऊंगी बाद में, अब बताती हूँ इनको। मुझे छोड़ के गए ना, सारा सामान फैला दूंगी, सारा खा जाऊंगी। मम्मी ने भी बोला कोई बात नहीं जाने दे। अरे मम्मी का फोन, अब क्यों फोन कर रही है? उनकी साइड तो दे दी ना उन्होंने। हेलो, तो चुप ही रहो अब, आप उनकी साइड दो जिनकी साइड आप देते हो। अरे
मैं तो जानबूझ के उनकी साइड थी। अब मेरी बात सुन, तुझे करना क्या है? वैसे तो मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन बात आपने बहुत अच्छी बोली। बस अब देखो क्या करती हूँ, सारा सामान फैला दूंगी। आज तो बहुत थक गए पार्टी में। सच में यार, मैं तो ना सीधा जाके भी सोने वाला हूँ। मैं तो जैसे डांस करने वाली हूँ, चलो जल्दी। अरे दीदी, क्या कर रही है? टीवी देख रही हूँ। अच्छा, देखो दीदी, मैं तो चला सोने। हाँ लेकिन टीवी देख रही है और इतना सारा सामान फैला रखा है, बदला ले रही है। ये सब क्या है दीदी? आप कुछ घर से बना के खा लेते, ये बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? अरे जो मेरा मन करेगा मैं वही तो खाऊंगी ना। और कैसी रही आपकी पार्टी? पार्टी तो बहुत अच्छी थी, सब आपके लिए पूछ रहे थे। क्या करते, मैंने बोल दिया उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ये बोलती कि मेकअप की वजह से नहीं आई तो सब हंसते। और जो सच था वो बोलना चाहिए था आपको वैसे। ओ अच्छा, खैर आपने ये सब खाया क्यों नहीं? और किचन में से भी स्मेल आ रही है, कुछ बनाया भी था क्या? मैं कुछ बना रही थी पर वो अच्छा नहीं बना, तो मैंने सोचा ये सब खा लेती हूँ। वैसे भी अब मैंने सब खा लिया है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है, लेकिन ये सब दीदी इनको रख देना संभाल के, कल परसों खा लूंगी। सारी सफाई कर देना, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप तो हेल्प करवा देती मेरी थोड़ी। नहीं नहीं, मैंने बहुत खा लिया, मुझे बहुत नींद आ रही है, और ये पिक्चर देख के तो मुझे और ज्यादा नींद आ रही है। ठीक है चलो मैं चलती हूँ सोने, बाय, गुड नाइट। चल मुझके करके गई, ये सारा सारा समेटना पड़ेगा मुझे। क्या हाल किया हुआ इन सब चीजों का। तो मैं बताऊंगी। हे भगवान, ये क्या किया हुआ है, खाना भी जला रखा है। दाल बनाने की कोशिश करिए, लगता है पार्टी से आने के बाद मैं ये सब कर रही हूँ। हद होती है, कोई तमीज ही नहीं सिखाई इसकी माँ ने तो इसको। अगर मैंने अभी सफाई नहीं करी तो कॉकरोच भी हो जाएंगे। इसको तो कोई फिक्र नहीं है, आ जाती है मनहूस खाना खाने के लिए। अब आया मजा, करती हूँ मम्मी को फोन। हेलो मम्मी, जैसा आपने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब कर रही है सफाई, बढ़िया ही पार्टी में जाएगी बंठन के। मेरा मेकअप खराब करती है, अब मैंने सही से बदला लिया। थक तो वैसे ही गई होगी डांस वांस करके, अब और काम कर रही है और थक गई होगी, और सुबह भी जल्दी उठा दूंगी। चलो चलो अभी मैं सो रही हूँ, अब कल का प्लान मुझे कल ही बताना। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट, आज अच्छी नींद आएगी। चलो सो जाती हूँ, लगता है सो गई। इसको तो मैं बताती हूँ। दीदी 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 दीदी, oh no! सो गए थे आप? अरे तुम पागल हो क्या? मैं तो पानी की बोतल लेकर आई थी, आपको रात में प्यास लग जाती है ना, कहीं आप मेरे रूम में आ जाओ कि पानी लेकर आओ, इसलिए मैं देने आई थी। मुझे तो लगा ही नहीं था आप सो गए होगे। मुझे लगा आप मेरी फिक्र कर रहे होगे, मैंने इतना सारा काम जो किया है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो आराम से सो रहे थे। आप एक काम करो, सो जाओ आराम से सोना, सुबह नाश्ते में क्या खाओगे वो भी बता देना। गुड नाइट। जान मुझ के मेरी नींद खराब करने आई थी चुड़ैल, अब मुझे नींद भी नहीं आएगी। करती ना नींद खराब तो मैं बताती हूँ, कल सुबह नाश्ता ही खिलाऊंगी।